हाँ नमस्कार एसएससी जीडी सोल्जर्स। दोस्तों आज आपके 20 प्रश्न में से, यानी एसएससी जीडी वालों, आपके 20 प्रश्न में से 8 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेगा। आप पिछले पेपर देख लो, 3 से 4 पेपर, उनमें आपको 20 में से लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके में से देखने को मिलेगा। यानी 8 का डबल 16 नंबर आपका आज आपन कंप्लीट करने वाला है। जो जो टॉपिक बता रहा हूं, इन इन टॉपिक को आप पढ़ के चले जाना, आपके 8 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो आप पढ़ते रहो, लेकिन इन स्टैटिक जीके के इन टॉपिक को एक बार वापस से रिवाइज कर लो भाई। शुरू करते हैं, कौन-कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक आपके सामने है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस जो भी है, 8 क्लासिकल डांस, उनके नृत्यकार और कौन सा डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको पढ़ के जाना है। उनके कलाकार पढ़ के जाना है। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी ने फेवरेट ये टॉपिक बना रखा है, यहां से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है लोक नृत्य, फोक डांस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा किस राज्य से कौन सा जो है नृत्य है, ठीक है। पूरा का पूरा ये दोनों टॉपिक नृत्य वाला पढ़ के जाना है। अगला है त्योहार फेस्टिवल महोत्सव, कौन सा महोत्सव किस राज्य से है, ये त्योहार और महोत्सव पूरा टॉपिक पढ़ के जाना, ये भी दिल्ली इस टॉपिक से भी कवर कर रहा है एसएससी। वाद्य यंत्र और वादक, कौन से वाद्य यंत्र से कौन है जो ये वाद्य यंत्र बजाता है, चाहे बांसुरी हो, सैनई हो, आपका तबला हो, इसके जो भी वादक है वो आपको पढ़ के जाना है। जनगणना 2011 इंपोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में भी एसएससी ने पूछा है और आपके एसएससी जीडी में भी जनगणना 2011 से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेगा। पूरी जनगणना अलग से वीडियो बना भी रखा है, लेकिन आप बुक से भी कहीं से भी पूरी डिटेल में पढ़ के जाना, शुरू से लेकर लास्ट तक। साक्षरता हो, चाहे अपनी जनसंख्या हो, चाहे लिंगानुपात हो, घनत्व, सब कुछ पढ़ के जाना यहां से। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेना, जो भी स्टेट से राष्ट्रीय उद्यान है कंप्लीट पढ़ के जाना है। मंदिर टेंपल्स जो भी है, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहां पर है, अपने कामख्या मंदिर, कंडदेवरा महादेव मंदिर, सब पढ़ के जाना, मंदिर से प्रश्न पूछा जाता है। स्पोर्ट्स जीके की मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्पोर्ट्स जीके में एक तो आपको खिलाड़ियों की संख्या, खेल में खिलाड़ियों की संख्या पहला टॉपिक पढ़ना है। दूसरा, कौन से खेल से कौन संबंधित है खिलाड़ी, पूरा पढ़ लेना है। खेल में जो भी ट्रॉफियां है, अलग अलग खेल की जो भी महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, ये आपको पढ़ के जाना स्पोर्ट्स जीके में। एक शब्दावली, खेल से संबंधित शब्दावली भी आपको पढ़ के जाना है, ये टॉपिक आपका स्पोर्ट्स जीके हो गया। भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, भारत के जो भी पड़ोसी देश है, चाहे स्थलीय हो चाहे तटीय हो, उनकी राजधानी और मुद्रा मुख्य रूप से, यह आपको पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक देख लीजिए, भारत सरकार, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं पढ़ के जाना है, यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण पुरस्कार, चाहे नोबेल पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, चाहे आपका पद्म पुरस्कार हो, सब पढ़ के जाना है ये आपको। पुस्तक लेखक, महत्वपूर्ण जो भी पुस्तक है, लेखक है, ये आपको बुक ऑथर्स वाला टॉपिक पूरा कवर करके जाना है। महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो जो महत्वपूर्ण दिवस है, ये आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी है, ये आपको पढ़ के जाना है, यूएनओ हो चाहे डब्ल्यूटीओ हो, ठीक है, जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये आपको सब पढ़ के जाना है। अगला है भारत के विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को सूची वाले, पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है। इसके अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख लेना, मैंने ट्रिक से बताया है यूनेस्को सूची में शामिल अपने भारत के स्थल, ठीक है। रामसर साइट आपको पढ़ के जानी है। भारत के अनुसंधान केंद्र, ये आपको पढ़ के जाना है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है, विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां है, ठीक है, मृदा अनुसंधान केंद्र कहां है, सब पढ़ के जाना, ये भी 5-10 है। भारत में प्रथम पुरुष और महिला, ये आपको पढ़ के जाना है, प्रथम पुरुष में और महिला में, ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये टोटली लगभग आपके टॉपिक है 15 से 16, इसे एक बार आप अभी बैठ जाओ और एक एक टॉपिक को आप रिवाइज करो और उपस्पट्टी कर दो कि भाई मैंने शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिया, लोक नृत्य पढ़ लिया, त्योहार महोत्सव पढ़ लिया, वाद्य यंत्र पढ़ लिया, तो ये आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा और लगभग आपका 16 से 18 नंबर आपके कवर हो रहे हैं सिर्फ स्टैटिक जीके के। और 5-6 करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में, वो एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं, लेकिन ये आपको स्टैटिक वाला मत चूकना, जो भी टॉपिक बताए हैं। और इन टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए ट्रिक्स में, तो वो भी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन सभी टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी शॉर्ट्स नोट्स के रूप में, ठीक है भाई लोगों। तो अपना टाइम खराब न करते हुए ये आपको सब पढ़ लेना है, अपना ख्याल रखें और वीडियो चला का लाइक कर लीजिए। पुलिस परीक्षा पर आपको जीके ट्रिक्स, करंट अफेयर्स से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।